मालेराव ने उस किसान के घर पर रहने वाली सजा तो पूरी कर ली थी ना? नहीं छोटी रानी, बल्कि छोटे सरकार ने तो उस किसान का घर जलाने की पूरी कोशिश भी की थी और उन्हें चोट भी लग गई। वो तो महादेव की कृपा थी कि मैं वहां पहुंच गया, वरना उस किसान का घर पूरी तरह जल जाता। छोटी रानी, छोटे सरकार अभी बच्चे हैं, उन्हें उनके द्वारा की गई शरारतों की गंभीरता का कोई ज्ञात नहीं है। छोटी रानी, आप लंबा सफर करके आए हैं दुष्यंत भाजी, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ठीक। अहिल्या, कल प्रातः अहिल्या क्या हुआ? दुष्यंत अभी अभी यहां से निकला है, वाड़े में सब ठीक तो है? तो कुछ भाजी, अप्पा साहेब और उनकी पत्नी अपनी बेटी मैनाबाई के साथ बाड़े पर आ गए हैं बालेराव और मैनाबाई का विवाह तय करने। अहिल्या, लेकिन ये तो शुभ समाचार है, क्या तुम्हें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है? ऐसी बात नहीं है तुकुचे भाजी, अप्पा साहेब और सावित्री बाई बहुत संस्कारी लोग हैं तुको जी भाजी, और दुष्यंत भाजी ने कहा कि मैना भाई बहुत प्यारी है, मासूम है वो। अगर ऐसा है तो आपत्ति किस बात की है? मालेराव, उसकी आदतें बिगड़ती जा रही है तुको जी भाजी, इतना समझाया, सजा दी, फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं है। ऐसे में वो मैना भाई की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा? विवाह का दायित्व वो कैसे निभा पाएगा? अहिल्या, एक बार उसकी शादी हो जाएगी ना तो वो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा। अभी थोड़ी कच्ची उम्र है उसकी, तो शरारत तो करेगा ही ना वो। किसी भी गरीब किसान के घर को जलाना शरारत नहीं होती तुको जी भाऊजी, नहीं होती। कच्ची उम्र में अगर नादानियों को रोका ना गया तो वही शरारतें खतरनाक आदतें बन जाती है, और फिर बड़े होने के बाद उन्हें सुधारना मुश्किल हो जाता है, और फिर वही बातें उनका परिचय बन जाती है। अहिल्या, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें मालेराव के पास होना चाहिए। नंदलाल जी इंदौर से यहाँ पहुंच गए। मैं वही बताने आया था, कड़क लक्ष्मी तैयार है, चलकर देखते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।